वासंतिक नवरात्र में विंध्याचल धाम में आने वाले भक्तों के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मेले में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में प्रतिदिन लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य के प्रगति पर होने के कारण कंकरीली सड़क को मैट से ढक दिया गया है। तेज धूप व गर्मी से बचाने के लिए छावनी लगवाने के साथ मंदिर की रंगाई पुताई भी कराई गई है। मेला क्षेत्र को 8 जोन 18 सेक्टर में बांटा गया है। सैकड़ों सफाई और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। मंदिरों और मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। पहली बार मां के धाम में धूप बत्ती और दीपक जलाने पर भी रोक लगाई गई है। निकास द्वार से प्रवेश करने पर भी पूर्णतः रोक है। विंध्याचल मेले में आने वाले भक्तों के लिए श्री विंध्य पंडा समाज ने दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्तों की सुविधा के लिए पंडा समाज के सदस्यों की तैनाती की है। इसके साथ ही लाइन में पीने का पानी भी निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय दुकानदारों ने भी दूर दराज से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए दुकानों को पूरी तरीके से सजा लिया है। भक्तों को भटकना ना पड़े इसलिए दुकानों पर नंबर लिखे गए हैं। माता के धाम में पहुंचे भक्त मंदिर का ये बदला नजारा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। धाम को भगवा रंग से सराबोर कर दिया गया है। मिर्जापुर से ब्रिजेश दुबे की रिपोर्ट के साथ मैं न्यूज ट्रैक से आकांक्षा मिश्रा। विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम स्टूडेंट हैं और प्रयागराज से आए हैं। हमने प्लान किया था ऐसे माता के दर्शन करने के लिए, और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये भगवा कलर देख के बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाबा ने बहुत सारा मतलब बहुत कुछ किया है, मतलब उनका थीम ही यही है कि भगवा कलर और विकास की तरफ अग्रसर रहे, यही सब तो अच्छा लग रहा है। वैसे हम लोग हर मंदिर जाते हैं, मतलब हमारा प्लान रहता है स्टूडेंट का। हम गोविंद खरे हैं, ये बताइए कहाँ आए हैं दर्शन करने? माँ विंध्यवासिनी का दर्शन के लिए प्रयागराज से आया हूँ। मैं आज से विगत पिछले 10-15 साल पहले भी आ चुका हूँ, 2-3 साल पहले भी आया था, लेकिन इस बार जो मैं आया हूँ, मैं ये देख रहा हूँ वास्तव में ये एकदम भगवामय हो गया है। जो असुविधाएँ होती थी पतली तंग गलियों में गंगा जी के दर्शनार्थ से लेकर और यहाँ तक पहुँचने में माँ के दरबार तक, वो इस बार जो है बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कि बनारस में विश्वनाथ बाबा से जोड़ा गया है माँ गंगा का की धारा को। हमें लगता है कि विगत दिनों में शायद योगी जी का यही प्रोग्राम है कि माँ गंगा की धारा को जो है माँ विंध्यवासिनी तक लाने का, जैसा कि मुझे दिखाई पड़ रहा है जिस प्रकार से माँ से बदलाव हो गया है, बहुत बदला है, 100% बदला हुआ है। मानते हैं योगी है तो मुमकिन है? योगी है तो मुमकिन है, पूरा हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान होने वाला है, हिंदुत्व राज आने वाला है और ये बिल्कुल आगाज हो चुका है। देखिए कल से नवरात्र का मेला प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर, और हम जो अपेक्षा कर रहे हैं पिछली बार जितने यहाँ पे दर्शनार्थी आते रहे उससे काफ़ी अधिक संख्या में आपके दर्शनार्थी यहाँ पर आने की संभावना है। तो विशेष रूप से हमने जो फोकस किया है वो क्राउड कंट्रोल पे फोकस किया है कि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार के धक्का मुक्की और इसका सामना नहीं करना पड़े। और जैसा कि यहाँ विंध्याचल में जो मंदिर है इनका कॉरिडोर का कार्य भी चल रहा है, इसके कारण जो रोड वगैरह है वो चौड़े हो गए हैं, तो हमने पर्याप्त छाया की, पानी की व्यवस्था और उनके पार्किंग वगैरह की सभी व्यवस्थाएँ हमने यहाँ पर दुरुस्त की है। और यहाँ पर यह प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार की मतलब धक्का मुक्की नहीं हो और आदमी निर्विरोध तरीके से दर्शन कर सके। ये वासंतिक नवरात्र है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो क्या उस हिसाब से आप तैयारी आपकी है यहाँ पर? हाँ, हमारी सभी तैयारियाँ पूरी है और हमने ड्यूटियाँ लगा दी है और वो ड्यूटियाँ अभी आज दिन में 12 बजे से अभी काम करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा सर क्या मानक रखा गया है, कितने सेक्टर क्या बनाए गए हैं, अगर दर्शनार्थी ट्रेन से या बस से उतरता है तो मंदिर तक पहुँचने में उसको कितने स्टॉपेज दिए गए हैं? देखिए इसके लिए हम यहाँ सेक्टर और जोनल में इसको बांट देते हैं और प्रत्येक सेक्टर और जोनल के हिसाब से हम मजिस्ट्रेट लगाते हैं, उसके साथ पुलिस के काउंटर ऑफिसर उनके साथ लगाते हैं, उनके साथ हम स्टाफ भी लगाते हैं। तो हमने पर्याप्त संख्या में हमारे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर लगाए हैं और एक एक पॉइंट पर हमने लगाए हैं, तो वो
हमेशा सतर्क रहेंगे और उनके हम साथ रात को 8 बजे ब्रीफिंग भी करते हैं ताकि दिन में उनको किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हुई है तो वो उसमें नोट करके बताते हैं और अगले दिन में वो समस्याएं नहीं आए उनको भी हम दूर। मंदिर प्रसंग सर कितने लगाए गए हैं, मंदिर में कितना जो निकलने के लिए रास्ते या एंट्रेंस के लिए कितने हैं सर? तो देखिए जो हमारे तीनों चारों रास्ते हैं मेन पक्का घाट है, ओल्ड वीआईपी है, न्यू वीआईपी है, कोतवाली गली है, सभी तरफ हमने निकास के और उसके लिए हमने जगह हमने सभी दर्शनार्थियों को दी है और जो हमने बैरिकेटिंग करी है वो इस प्रकार से करी है कि आने वालों के अलावा जाने वालों के लिए पृथक रूप से व्यवस्था रहे, तो उसमें किसी प्रकार का कोई इशू मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। अच्छा, भीड़ ज़्यादा होगी, बैरिकेटिंग वगैरह की है तो कुछ रूल्स बदले हैं क्या यहाँ के आपकी तरफ से? रूल्स वही है, रूल्स में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे जो बैरिकेटिंग के साथ में मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर लगाए हैं ताकि दर्शनार्थी की सुरक्षा वगैरह की जाए, उसमें किसी प्रकार का कोताही नहीं बरती जाए। और इसके अलावा जैसे मंदिर में एक बार आग की घटना हुई है, वो दीपक जलाने के कारण हुई है, तो 9 दिन के लिए हमने दीपक जलाने पे, क्योंकि लोग उसको पैरों में रख देते हैं, प्रॉपर स्थान पे नहीं जला के और फर्श पे कहीं भी दीपक रख देते हैं, उससे आग लगने की संभावना होती है।